नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दो प्रेमिकों को डेट करती थी महिला, सच्चाई सामने आई तो एक ने दूसरे युवक को मार दी गोली। किन्नी टाइम्स। प्रेमी प्रसंग के चलते कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला पश्चिमी दिल्ली से सामने आया है। यहाँ के राजा गार्डन इलाके में कथित तौर पर प्रेम त्रिकोण के एक मामले में एक व्यक्ति पर गोली चलाने और उसे घायल कर देने के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे रिंग रोड पर स्थित राजा गार्डन गुरुद्वारे के पास गोलीबारी होने की सूचना मिली थी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत गौतम ने बताया कि घटना के दौरान हरिनगर के सतविंदर के पैर में गोली लगी, जबकि रोहित के हाथ में खरोंच आई। गौतम ने बताया कि घटना स्थल से जामिया नगर के दाऊद को एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया, तथा सतविंदर के बयान के आधार पर राजौरी गार्डन थाने में भांडस की धाराओं 307 हत्या के प्रयास एवं 34 साझा इरादा तथा शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की वजह एक महिला थी जो उन दोनों व्यक्तियों के साथ कथित तौर पर डेटिंग कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में संलिप्त दो और आरोपी फहद तथा दीपांशु फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।